वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो मैं फिर हाजिर हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, और आज मैं सुबह के नाश्ते में बनाने जा रही हूँ कुछ थोड़ा सा स्पेशल, ब्रेड पिज्ज़ा। आज मैं बनाऊँगी ब्रेड पिज्ज़ा। तो अभी चाय चढ़ाएंगे और यहाँ पे वो हवन करने के लिए कंडी जला रही हूँ मैं, जो ढूंढ रही हूँ मिल नहीं रहा मेरे को। तो अभी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको कैसे बनाती हूँ मैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा सूजी और फिर दही। इसमें मलाई भी पड़ता है, बट मलाई अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हम हल्का सा दूध भी डाल सकते हैं। ये दही थोड़ी सी बची थी, रात में मैं खा गई थी। इस टाइम पे मुझे दही बहुत 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 ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो और इसमें चाहिए सूजी, दही, और मेरे पास अवेलेबल हो तो थोड़ा सा मलाई, ना हो तो हल्का सा दूध भी डाल सकते हैं। और फिर डालेंगे प्याज, मिर्चा, टमाटर, ये सब कुछ डाल करके फिर मैं मिलती हूँ। तो इसमें मैंने सूजी, दही, प्याज, टमाटर, मिर्चा, नमक और धनिया की पत्ती डाल करके ये हल्का सा मिक्स करके और डो बना लिया। डो क्या मतलब, अब हमें इसको ब्रेड पे ऐसे पेस्ट लगाना है और फिर उसके बाद से सेक लेना है। तो अभी मैं दिखाऊंगी, फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि पापा को पूजा करने के बाद से तुरंत नाश्ता चाहिए रहता है। और इधर चाय हो गई है हमारी, बस सेकना रह गया। तो मैंने सबको एक ही साइड से इस पर फिल करना है। ये देखिए, पेस्ट की तरीके से लपेट देना है एक साइड से। अब तवा गर्म करेंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे। अभी दिखाती हूँ। तो ब्रेड में पेस्ट लगाने के बाद से फिर मैं उसको फटाफट से सेकने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले जिधर हमने पेस्ट लगाया हमें उसी तरफ से सेकना है। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर फटाफट से सेक रही हूँ अब मैं। और जितना ज़्यादा आप क्रंची कर सकें, यानी कि जितना भूनेंगे, ये भी नहीं कि जला देना भूनते भूनते, तो जितना ज़्यादा आप लाल करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी होगा, कुरकुरा सा होगा और काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको ये खा करके। और हरी धनिया की चटनी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ट्राई करिएगा। पापा खाइए, कैसा बना है? बढ़िया। मतलब मैं पास हो गई। अच्छा बना है। यहाँ पर 10 बजने वाले हैं और इनकी अभी तक गुड मॉर्निंग नहीं हुई है, सुबह नहीं हुई है, अब होने को है। डेली उठ जाता था ये जल्दी, लेकिन आज 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये मुझे जगा के रखा, खेला है, तो इस वजह से आज ये अपनी नींद 1 घंटे की पूरी कर रहा है। अले अले अखिया खुल गई बेटू की, गुड मॉर्निंग। अले वो दवाई इतनी अगलाई मत लवाए। अले उद्धव हटा दो लो नहीं हटा दो। पिज्जा खाएगा मम्मा, बेस्ट पिज्जा बनाई है, खाओगे बाबू? खा ले, खा ले, हंस दो थोड़ा सा, हंस दो। मम्मा बेस्ट पिज्जा बनाई है। हाँ तो रात दिखाई नहीं रहे बाबू। मम्मा बेस्ट पिज्जा बनाई है, हाँ खाओगे? खाना है? ये हमारा ब्रेक पिज़्ज़ा। देखो खाए नहीं होते हैं, नाटक कर रहे हो। आपको इतना पसंद आया कि बच्चा ही भी बॉक्सिंग लड़ो उससे पहले। ऐसा लगा? तो वो पापा जा रहे हैं गांव। ये बोल रही है कि 30 मांगेगा तो 30 दे देना। वैसे तो 2 ही रुपया दिखा रहा है। अरे रहने दीजिए, तो इसे बोल रहे थे पापा। ये कह रहे हैं खाली नहीं जाना चाहिए। ले हां जी ससुरा, कम बका ले। बड़ा लो नोट चाहिए उसको। ले लिया, पसंद नहीं आया। चले दे दे, कहता ये लगा बल्लू कहता ये लगा। तो यहाँ पर मम्मी ने लौकी छिलने का नया तरीका बताया, ग्लास से, मतलब चौकदार ग्लास लेकर के और उसको खड़ा करके खड़ा कट छील देना है। ना
दूसरी वाली कौन से लीजिए ना। हाँ खड़ा करो, खड़ा करो लौकी, खड़ा करो। हाँ ऐसा पीछे गिलास। हाँ हाँ ऐसा कर। एक बता दूँ पकड़ लो लौकी। अरे खाएगा नहीं, पकड़ो समोसा खाया पूछ लो। हाँ तो नहीं तो रहने दो। पकौड़ी खाओगे? पकौड़ी खाओगे? खाना तो खाओगे ही तो ये किस लिए बनवा रहा हूँ। खाएंगे पकौड़ी का उसी दिन बोल रहे थे। तो यहाँ पर मैं रात का खाना बनाने के लिए आ गई हूँ और आज रात में पता नहीं पति देव जी को हमारे कहाँ से पकौड़ी खाने का भूत सवार हुआ था। तो सबसे पहले मैंने सोचा फरहार वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और मम्मी के लिए और अपने लिए आलू का फरहार बनाऊँगी और फिर इनकी पकौड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर लौकी काट लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर अलग अलग खाना बन रहा है, अलग अलग खाना यानी कि मम्मी ये 9 दिन का व्रत है तो एक साइड पर उनका फलहार छोंकेंगे और एक साइड पर अपने लोगों के लिए लौकी अलग अलग, और मम्मी प्याज काटने जा रही हैं क्योंकि हमारे पति देव जी इस टाइम रात के 9 बजे खाएंगे पकौड़ी प्याज और आलू की, तो इसलिए मम्मी प्याज काट रही क्योंकि ज़्यादा एक आधा प्याज रहता है हम काट लेते हैं, ज़्यादा प्याज रहता है। बनवा तो रहे पकौड़ी, अगर नहीं खाओगे तो बड़ी मार खाओगे। वही बता रही हूँ। तो मम्मी की डिमांड है खूब ढेर के प्याज डालने को, इसलिए हम खूब ढेर का प्याज मिर्चा काट रहे हैं खूब ढेर का। तो टमाटर धनिया पत्ती डिमांड सुन रहे होंगे पीछे से, बताइए मम्मी। पहले वो मूंगफली डाल के भूज लो तब आलू डालना, मिर्चा और चार भूज के निकाल ले तब क्या मूंगफली। हाँ। नहीं नहीं उसी में फिर आलू मिर्चा छोड़ दे, उसी में फिर जैसे आलू डालोगे तो मूंगफली भूज लेना। हाँ। फिर टमाटर डाल देना। अच्छा मिर्चा छोड़ने के बाद से पहले मूंगफली भून लेंगे। हाँ फिर टमाटर, फिर उसके बाद पानी डाल देना, फिर आलू डाल देना। ओके मदर इन लॉ, इधर जल गया एक गैस, इधर जल गया एक गैस। दोनों फलहार ही है, लौकी भी फलहार है और आलू भी फलहार है, बस तेल का फर्क होगा इसमें। तेल डाल दो, यही डाल दो, मेरे ही होगा। हाँ इसमें भी तो प्याज नहीं पड़ेगा ना। नहीं इसमें भी नहीं पड़ेगा, वही डाल दो मेरा ही होगा। हाँ दोनों फलहार बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, मैं भी लौकी का फलहार खा लूंगी अगर बच जाएगा तो। तो यहाँ पे दोनों ही सब्जियों में मैंने फरहार वाले नमक डाले हैं यानी कि सेंधा नमक डाला है और इस नमक का मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा कम चलता है कि कितना डालेंगे तो क्या टेस्ट आएगा, पता नहीं क्यों। खैर है तो नमक ही, लेकिन पता नहीं क्यों इस नमक का मुझे अंदाज़ा ज़्यादा नहीं चल पाता है कि कितना डालना है या क्या किस क्वान्टिटी में डालना है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और उसके बाद से जो आलू का फरहार है उसमें मैं टमाटर और धनिया काट करके डाल रही हूँ जैसे जैसे मम्मी ने बनाया था। मम्मी को मेरे हाथ का फरहार नहीं पसंद है क्योंकि मम्मी को मतलब कुछ अजीब ही तरीके का फरहार पसंद है। मैं नॉर्मल सब्ज़ी जैसे बनता है वैसे बनाती हूँ, वो जला जुलू के एकदम कुरकुर कुरकुर पता नहीं कैसे करती हैं, मुझे भी नहीं पता है कि वो कैसे बनाती हैं। सो इस वजह से मैं फरहार कम ही बनाती हूँ, वही ज़्यादातर बनाती हूँ। लेकिन अभी किचन में थी और वो प्याज काट रही थी तो मैं उनसे पूछ पूछ के जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे बना दिया। सारी चीज़ें बन चुकी हैं और अब बनाऊँगी नहीं मतलब पकौड़ी की तैयारी कर लूँगी। और हमारे भाई साहब भी आए हैं तो आ जाएंगे फिर बनाऊंगी।
क्या फटाफट से बना रही है। इतनी गर्मी में तो इतना पका रहे हो ना मेरे को, गर्मी में उबाल मार रही हूँ। एसी लगवाया हूँ ऊपर देखो। हाँ एसी लगवाया हूँ, आओ खड़े हो किचन में तो समझ में आएगा। बना क्या रही? रात के 9 बजे डिमांड कर रहे हैं आलू की पकौड़ी खाऊंगा, प्याज की पकौड़ी खाऊंगा, लौकी की सब्जी खाऊंगा, रोटी खाऊंगा और ऊपर से इतनी गर्मी। अभी तो तुम ठीक थे क्या? तुम्हारी गलत ऐसा नहीं, आओ गर्मी में उबलो तो पता चलेगा। गर्मी में पकौड़ी खा सकते हो तुम, बना नहीं सकते? आप खा सकते खाना तो मुझे भी एसी में बैठ के अच्छा लगेगा, एसी में बनाना नहीं अच्छा लगेगा ना। ये किचन में खाओ खड़े होकर। नहीं खाना तो बहुत आसान है, कल नहीं तो इतनी गर्मी में पका रहे हो मेरे को ऊपर से। अरे ये सब नाश्ता सुबह का होता है, रात में पकौड़ी खाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज की पकौड़ी के लिए मिक्स करके मिक्सचर रख दिया था, और उसके बाद से फिर आलू का भी इनको खाना था तो आलू के लिए भी रेडी करके मिक्सचर रख दिया, ताकि जब बनाना रहेगा तो फिर फटाफट से बस तलना रहेगा, उस टाइम पे कोई झंझट नहीं रहेगी, और किचन वगैरह तब तक के लिए साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी भैया आने को थे और इंतज़ार हो रहा था कि वो आ जाएं, तो एक ही बार बनेगा, बार बार गर्मियों में किचन में आना भाई पॉसिबल नहीं है। सो मैंने सोचा कि वो भी आ जाएं तो फटाफट से बना लूँगी। तो यहाँ पर प्याज की और आलू की पकौड़ी का पूरा घोल तैयार करके रख दिया मैंने जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद से साफ़ कर दिया किचन पूरा, और उसके बाद से फिर आए भैया। तो मैं यहाँ पे एक साइड रोटी एक साइड पकौड़ी, मतलब मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, एक साइड पकौड़ी बनाने जा रही हूँ और एक साइड रोटी बनाऊँगी कि फटाफट से जल्दी जल्दी दोनों काम हो जाएगा, क्योंकि एक तो जो हमारा किचन है उसके ऊपर सिर्फ छत है, यानी कि उसके ऊपर कोई कमरा वमरा नहीं बना, और इस साइड के जो घर हैं कमरे हैं उसके ऊपर पूरा कमरा वगैरह बना हुआ है, तो इसके ऊपर कुछ ना होने की वजह से डायरेक्ट धूप की पूरी गर्मी उमस रात तक आ जाती है नीचे, और जो गैस की गर्मी होती है वो डायरेक्ट और गर्मी देती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है किचन में। तो इसी वजह से मैं दोनों चीज़ें एक साथ करी, इधर साइड साथ में जब तक तवा गर्म हुआ तब तक मैंने 3-4 रोटियां सेक के रख ली, और इधर तेल गर्म हुआ तो मैंने फिर पकौड़ी डाल दी, तल दिया उसको ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। वाकई में औरतों के जीवन में मतलब कितना परिश्रम है कि गर्मी हो धूप हो ठंड हो चाहे कुछ भी हो, वो चुपचाप से सारा काम करती हैं बिना उफ किए। वाकई में अब मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि भैया क्या लाइफ होती है। सो कोई नहीं, करना है अपनों के लिए ही करता है इंसान। सो यहाँ पे मेरी रोटियाँ जितनी बननी थी सारी बन चुकी हैं, उसके बाद से फिर से मैं किचन साफ़ कर दूँगी, एंड इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे करती हूँ ख़त्म, क्योंकि गर्मी हो रही है अब इसके आगे शूट नहीं कर पाऊँगी। सो अगर आपको पसंद आया हो, आप देख रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, साथ ही साथ वीडियो साथ ही साथ घर का काम खाना पीना सब कुछ कर रही हूँ, सो प्लीज़ मेरी मेहनत को देख करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड जैसा भी आपको लग रहा होगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।